स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो बेसिकली सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्यों होते हैं, बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्यों सेट किए जाते हैं। सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने में, ठीक है। लाइक अगर मैं कोई बिजनेस खोल रही हूँ तो मैं अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकती हूँ, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकती हूँ, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट मैं उनको इम्प्रूव भी कर सकती हूँ अगर वहां पे कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। लाइक अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे और थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं अगर, तो मैं उसको उस तरीके से अकॉर्डिंगली इम्प्रूव कर लूंगी अपने परफॉर्मेंस को, ठीक है। सो बिजनेस में ऑब्जेक्टिव्स इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि हम अपने परफॉर्मेंस को, अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके, उनको इम्प्रूव कर सके और मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सके। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर कि हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्यों रखते हैं बिजनेस में। अब आते हैं इसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स पे, तो टोटल इसके एट ऑब्जेक्टिव्स हैं टोटल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पे आते हैं, दैट इज मार्केट स्टैंडिंग। सो मार्केट स्टैंडिंग के इस वर्ड से आपको एक चीज समझ में आ रहा हो कि मार्केट में खड़े होना, राइट। मार्केट में खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम गए और मार्केट में खड़े हो गए, नहीं। यहाँ पे मार्केट में खड़े होने का क्या मतलब है कि आप मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लाइक अगर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप, टू स्टेप या मतलब अहेड होना है, ठीक है। आप अगर अपने कॉम्पिटिटर्स से पीछे हो गए, यानी कि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहना है। अब आगे आप किस तरीके से रह पाओगे, सो आप प्रॉपरली प्रोडक्टिविटी करके आप आगे रह सकते हो, रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन करके आप आगे रह सकते हो, या फिर आप कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हो, बेटर सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जिसके थ्रू आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप अहेड खड़े हो सकते हो और मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी आप कर पाते हो, या फिर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस टेल्स अस अबाउट हाउ टू स्टैंड वन स्टेप अहेड फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स से कैसे हम एक स्टेप अहेड रहे और उनको हम, मतलब समझो ये कि आपको हराना है अपने कॉम्पिटिटर्स से। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, जो बेसिकली सेम प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट की आप बिजनेस कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट्स का बिजनेस वो लोग भी कर रहे हैं, तो आपको हमेशा उनसे आगे रहना है। अगर आप आगे नहीं रहोगे तो क्या होगा, वो लोग आगे निकल जाएंगे और आपका बिजनेस ठप हो जाए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब आते हैं इसके सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज इनोवेशन। सो इनोवेशन से एक चीज समझना है हम लोग को बहुत ही क्लियरली कि किसी भी बिजनेस में अगर इनोवेशन नहीं होता है तो जो कंपनी है, यानी कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकती है, मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकती है। क्योंकि किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि मैं 10 साल से, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फोन ले रही हूँ, ठीक है, 10 साल से वो कंपनी जो है या वो बिजनेस जो है वो एक ही तरीके का फोन डेवलप कर रही है, मार्केट में ला रही है, यानी कि सेम फीचर्स, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो एक टाइम के बाद मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कहाँ चला जाएगा, किसी दूसरे बिजनेस की तरफ चला जाएगा। बिकॉज आई विल थिंक कि ये तो सेम ही चीजें हर बार बेचती है, तो क्यों इससे खरीदे, हम दूसरे बिजनेस से खरीद लेते हैं बिकॉज उनके पास थोड़ा नया फीचर्स है, राइट। तो यहाँ पे इनोवेशन होना किसी भी कंपनी में बहुत जरूरी है ताकि मार्केट में वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सके। अब इनोवेशन कैसे लाया जा सकता है, सो नए नए आइडियाज को डेवलप करके, ठीक है। लाइक अगर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे हैं तो उनको आप अपने प्रोडक्ट्स में लगा सकते हो। जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें आप नए नए आइडियाज लगा के इनोवेशंस ला सकते हो अपने प्रोडक्ट्स में या फिर सर्विसेज में, ठीक है। तो आई थिंक इनोवेशन इज ऑल्सो वेरी क्लियर, लाइक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आप ला रहे हो, नए नए टेक्नोलॉजीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने बिजनेस में ताकि उससे और ज्यादा बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन सके, या फिर और फास्ट आपका प्रोडक्ट्स बन सके, या ज्यादा अमाउंट में आपका प्रोडक्ट्स बन सके। तो इनोवेशन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हो सकता है, लाइक प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में, या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी हो सकता है, फाइन। अब आते हैं थर्ड वन पे, दैट इज प्रोडक्टिविटी। सो द थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बेसिकली हमको किस चीज को समझाता है बिजनेस में, प्रोड्यूस करना किसी भी चीज को, जो चीज आप बना रहे हो, जिस चीज का आप बिजनेस खोल के रखे हो, उस चीज को प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये बेसिकली आपको समझाता है इनपुट और आउटपुट के बीच में
ये बेसिकली आता है कि आप क्या इनपुट लगा रहे हो और उससे आपका क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली अबाउट प्रोडक्टिविटी एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए और जो भी रिसोर्सेज है उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिसोर्सेज हमारे बच गए हैं और उनको हम फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगेन हम मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. ओके, कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करना है, एफिशिएंसी होनी चाहिए और साथ ही साथ इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज में या फिर प्रोडक्शन में. ठीक है, सो आई थिंक कि प्रोडक्टिविटी इज आल्सो वेरी क्लियर टू यू ऑल. सो प्रोडक्टिविटी में बेसिकली एक चीज आपको ध्यान से समझना है कि इसमें आप अपने रिसोर्सेज का आपको फुल्ली यूटिलाइजेशन करना है अपने बिजनेस में, और साथ ही साथ क्यों यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, ताकि आप प्रोग्रेस कर पाओ, प्रॉस्पर कर पाओ इन फ्यूचर इन योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. ठीक है, यानी कि फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आपको प्रोडक्टिविटी हमेशा आपको अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करके करना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई भी रिसोर्सेज आपका बच जाए और आप फुल्ली यूटिलाइज इसको ना कर पाओ. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो बेसिकली आपको ये समझाता है कि आपको अपने बिजनेस में फिजिकल रिसोर्सेज एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अच्छे से ध्यान रखना है. फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स या मशीनरीज या फिर ऑफिसेज जहां पे आप सेटअप कर रहे हो. ओके, ऑफिसेज होने चाहिए, आप अपना फैक्ट्री आपका होना चाहिए. अगर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक फैक्ट्री में करोगे तो घर में तो करोगे नहीं, और घर में भी करोगे तो एक सेपरेट एरिया में करोगे, राइट. तो जहां पे जो बेसिकली आपका फैक्ट्री कहलाएगा, या फिर आप ऑफिसेज आप रखोगे, ऑफिस में आप रहोगे, वहां से आप डीलिंग्स वगैरह करोगे, या फिर आपको प्लांट सेटअप करना होगा, या मशीन्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप प्रोडक्शन प्रोसेस कर सको. सो ये सारी चीजें जो है वो किसमें आती हैं, फिजिकल रिसोर्सेज में आती हैं. और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि फंड्स अवेलेबल करना, मतलब आपके बिजनेस में इतना एटलीस्ट फंड होना चाहिए ताकि आप ये सारी चीजें जो हैं फिजिकल रिसोर्सेज को कैरी आउट कर सके. लाइक अगर हम कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो हमको उसके लिए एक फैक्ट्री चाहिए. फैक्ट्री चाहिए तो क्या फ्री में कोई दे देगा, नहीं, उसके लिए हमको चाहिए पैसा. और पैसा किस में आएगा, हमारा बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज में ही आएगा. ठीक है, या फिर अगर हम कोई मशीन खरीद रहे हैं, कोई मशीन सेटअप कर रहे हैं, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए. ठीक है, तो वो भी हमारा किस में आएगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आएगा. तो ये दोनों साथ में क्यों मैंने इंक्लूड किया है, ताकि आप ये समझ पाओ कि ये इससे रिलेट कर पा रहा है. ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज जो भी है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू ही अवेलेबल किए जा सकते हैं. ठीक है, अब एक चीज और समझना है इसमें, कि जो भी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको आपको किस तरीके से यूज करना है, इफिशियंटली यूज करना है. ऐसा नहीं कि आप कोई खरीद लिए हो मशीन, अब वो आपका पूरा टाइम चलते जा रहा है, भले आप उस पर कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं हो रहा है, बट स्टिल आप उसको ऑन किए हुए हो, तो ये दैट इज नॉट अ गुड थिंग. मतलब आपको अपने बिजनेस में वो काम नहीं करना, आपको अपने फाइनेंशियल और एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है. इज इट क्लियर? सो ये बेसिकली आपका फोर्थ पॉइंट था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में. अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आपका अर्निंग प्रॉफिट. अर्निंग प्रॉफिट आई थिंक हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिए हैं काफी ज्यादातर अच्छे से, कि प्रॉफिट किसी भी बिजनेस में अगर आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा. प्रॉफिट में हमने ये भी समझा था कि अगर कोई सामान हमको बनाने में 10 रुपया लग रहा है तो उसको हम 12 रुपया में बेचेंगे, है ना, तो जो 2 रुपया मेरे लिए बचेगा, लाइक 10 रुपया का हमको कोई पेन बनाने में लग रहा है और उसमें हम उसको हम सेल कितने में कर रहे हैं, 12 रुपीज में कर रहे हैं. सो जो 2 रुपया जो बच रहा है मेरे पास वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना. तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है सो दैट विल नॉट, मतलब दैट बिजनेस विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म इन द मार्केट. ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस. अगर प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में, मतलब कि वो बिजनेस आपका ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है. ठीक है,
लाइक लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं हो सकता है उसका। अगर आप चाहोगे कि आप इस बिजनेस से जो पैसा कमा रहे हो उसे आप दूसरा जगह कोई ब्रांच खोल लो, वो पॉसिबल नहीं है। आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन नहीं हो सकता है बिजनेस का। लॉन्ग टर्म आप मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज क्या हो रहा है वहां पे, आप अगर आपको लॉस नहीं भी हो रहा है तो आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप 10 रुपए में खरीद रहे हो, 10 रुपए में बेच दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको बिजनेस में ये मोटिव करना है, ये एम रहना है आपका, रखना चाहिए आपको कि आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है अपने बिजनेस में। ओके, सो दैट इज व्हाट अर्निंग प्रॉफिट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ओके, सो द सिक्स्थ वन इज मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। इसमें बेसिकली क्या समझाया जा रहा है कि मैनेजर का परफॉर्मेंस, यानी कि जो मैनेजर है, ठीक है, हर एक बिजनेस में एक मैनेजर होना बहुत जरूरी है। चाहे उसमें आप अगर अकेले खुद भी एक बिजनेस खोलो तो उसमें आप एज अ मैनेजर आपको क्या काम करना है, आपका काम ये होना चाहिए कि आप एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस और उनका डेवलपमेंट करो, यानी कि उनके जो भी वो काम कर रहे हैं, उनके वर्क जो भी काम वो कर रहे हैं उसको बेसिकली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है, आपको काम क्या करना है एज अ मैनेजर, आपको सारे लोगों के वर्क को कोऑर्डिनेट करना है ताकि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपके बिजनेस का वो फुलफिल हो सके, है ना। अगर कोई भी बिजनेस का ऑब्वियसली कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा ही कि हाँ हमको इस साल इतना टर्नओवर करना है, तो आप जो एज अ मैनेजर आपको हेल्प करना है अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके और उनका डेवलपमेंट भी हो सके, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, कि वो अपने बिजनेस के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प कर सके, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। ये पॉइंट बेसिकली ये बताता है कि किसी भी एंटरप्राइज में वर्कर्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि कोई भी वर्कर किसी एंटरप्राइज में कितना ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है प्रोडक्टिविटी में, कितना ज्यादा वो प्रोड्यूस कर पा रहा है और साथ ही साथ कितना ज्यादा कंपनी के लिए यानी कि एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ कोई भी एंटरप्राइज अगर है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है ऑब्वियसली, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि किसी भी एंटरप्राइज का ये एम होना चाहिए, किसी भी बिजनेस का ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या एम होना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को हमेशा इम्प्रूव करे, राइट। अगर वहां पे उनको लग रहा है कि कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे वो बंदा जो है, वो वर्कर जो है, वो थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता है, तो वहां पे वो उसका हेल्प करे उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। ओके, एंड अबाउट एटीट्यूड, तो एटीट्यूड के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि बिजनेस में जितने भी वर्कर्स हैं उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टूवर्ड्स द एंटरप्राइज। ठीक है, जो भी वर्कर्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली फुलफिल कर पाएंगे। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या कहता है कि हमको एज एन एंटरप्राइज, एज अ बिजनेस, मेरा काम क्या है, मेरा एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम सोसाइटी के लिए सोचे। अगर किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सोसाइटी में तो हम उनको सॉल्व करने में अपना योगदान दें, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाएं ताकि हम उनका हेल्प कर सके, सोशल प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके या फिर डिक्रीज कर सके। ठीक है, सो ये चीज भी एक तरह से सोसाइटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान देना चाहिए। आप किसी भी तरीके से सोसाइटी का नुकसान ना करें, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। और अगर सोसाइटी में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको हेल्प करना होगा उन लोगों का, ताकि आप सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को या फिर सोशल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके एज एन एंटरप्राइज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई थिंक ये आपको क्लियर है सारे पॉइंट्स। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, और उसका सोल्यूशन, मतलब आपके क्वेरीज का सोल्यूशन मैं देने का पूरा कोशिश करूंगी। एंड टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे होम।